कहना। आज हम आपके लिए पनीर रोल रेसिपी लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है हम बता देते हैं। हमने लिया है गाजर, लंबे टुकड़ों में काट लिया है, एक आलू लिया है, एक हरी मिर्च लिया है, 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 चम्मच जीरा लिया है, 50 ग्राम पनीर लिया है, कुछ टमाटर हमने टुकड़ों में काट लिया है, कुछ गोल शेप में काट लिया है, 1 हमने प्याज राउंड शेप में ले लिया है, 1 हमने शिमला मिर्च लिया है और 1 प्याज हमने बारीक काट लिया है। तलने के लिए तेल लिया है और हमने लिया है 1/2 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 चम्मच पिसी धनिया ली है, नमक टेस्ट के अनुसार और हल्दी पाउडर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पैन चढ़ा दिया है, हम पैन में 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा पाउडर डाल देंगे, ऐसे हिला देंगे इसको। अब इसमें हम लहसुन की कलियां डाल देंगे और ये प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और गाजर डाल देंगे और आलू डाल देंगे और ये शिमला मिर्च हमने डाल दिया है, ये टमाटर डाल दिए टुकड़ों में ले लिया है। हम इसको अच्छे से भून लेंगे, सब्जियों को हम भून लेंगे और फिर उसके बाद बीच का ऐसे जगह खाली करके उसमें थोड़ा सा फिर तेल डाल देंगे, 1/2 चम्मच जैसे हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। सारी सब्जियों को ऐसे मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक ढक देंगे इनको। तो हमने सब्जियों को ढक दिया है, तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं। आटा हमने गूंथ लिया, अब इसमें हल्का सा ऊपर से रिफाइंड ऑयल लगा देंगे और इसको 5 मिनट तक ढककर रख देंगे। तो खोल के देखते हैं सब्जियां पक गई हैं। सब्जी पक चुकी है, अब इसमें हम नमक डाल देंगे, अच्छे से चला देंगे इसको। तो अब इसमें हम ये पनीर काट के रखा था वो डाल देंगे, इसमें भी मसाला हो जाए, धीरे से हल्के हाथों से चला देंगे। 1 मिनट तक हम फिर इसको ढक देंगे, तब तक आटा ले लेंगे हम जो गूंथ के रखा है, इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। इसे हम लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इनको हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो हमने चारों रोटियां बेल कर तैयार कर ली हैं। तो सब्जियां पक चुकी हैं, अब इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरा पैन हम चढ़ा देंगे, गरम होने देंगे पैन। तो पैन गरम हो गया है, अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल ऐसे लगा देंगे और इस पर हम बेल के रखे डाल देंगे, पलट कर हम हल्का सा इधर भी तेल लगा देंगे। पक गया है, हम इसको उतार लेंगे, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे हम रोटियां ऐसे पका लेंगे। तो इसमें हम ये रेड चिली सॉस लगा देंगे, ये जो स्टफिंग बना के रखी है ये फिल कर देंगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे बहुत ही टाइटली। इसी तरह से हम चारों बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये पनीर रोल बनकर तैयार हो गए हैं, अब इनको हम सर्व करेंगे। तो पनीर रोल बनकर तैयार है, इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।